अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू लड़की का हाथ छूता है तो उसके हाथ बचने नहीं चाहिए। अनंत हेगड़े ने कर्नाटक के कोडागु में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बिगड़े बोल कहे, महिलाओं के प्रति सम्मान से ज्यादा दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत इनके बयानों में साफ झलक रही है। क्या दूसरे समाज या समुदाय की लड़कियों की इज्जत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? उन्होंने कहा कि हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि समाज की प्राथमिकताओं के बारे में फिर से सोचें। हमें जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम लोगों के आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर हमारी नजरें होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ताजमहल मुसलमानों ने नहीं बनवाया। उन्होंने दावा किया कि शाहजहां की जीवनी में लिखा है कि उन्होंने ये ताजमहल राजा जयसिंह से खरीदा था। इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी दावा किया कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसे राजा परमातीर्थ ने बनाया था। केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसी तरह सोते रहे तो एक दिन हर किसी के घर का नाम भी बदल दिया जाएगा। हमारे भगवान राम को जहां पना कहा जाएगा और माता सीता को बीवी पुकारा जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की पार्टी से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुद जगहों का नाम बदले जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अनंत कुमार पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष और बुद्धिजीवी मानते हैं उनकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं होती है और वो अपनी जड़ों से अनजान होते हैं। जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक धर्मनिरपेक्ष और बुद्धिजीवी इंसान थे। वो इंसानियत में विश्वास रखते थे। उन्हें तो पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है और पहचानती भी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन्हें किस नाम से पुकारेंगे। वहीं इसके अलावा ये वही अनंत कुमार हेगड़े हैं जो कि हमारे देश का संविधान बदलने की बात भी कर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने विवादित बयानों के बाद भी बीजेपी ने ना तो उन्हें पार्टी से निकाला है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।